हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में बैटल कराने वाला हूँ छोटा भीम और लिटिल सिंघम के बीच में, और दोनों के बीच में कौन विनर होता है ये देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो। और ये वीडियो मेरा कुछ सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पे है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। और ये बैटल होगा 3 पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे कौन ज़्यादा पॉपुलर है, और दूसरा IMDb रेटिंग, और तीसरा राउंड होगा पावर्स एंड स्किल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला राउंड, कौन ज़्यादा पॉपुलर है। अगर देखा जाए तो दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन छोटा भीम लिटिल सिंघम से ज़्यादा पॉपुलर है। लिटिल सिंघम सिर्फ बच्चे लोग ही पसंद करता है, छोटा भीम बच्चों के साथ साथ बहुत सारे बड़े लोग भी पसंद करता है, इसलिए छोटा भीम का पॉपुलरिटी ज़्यादा है। इसके बाद बात कर लेते हैं राउंड टू की, और राउंड टू है IMDb रेटिंग। छोटा भीम का IMDb रेटिंग है 4.3 out of 10, और लिटिल सिंघम का IMDb रेटिंग है 3.7 out of 10, और इसमें भी छोटा भीम बाजी मार लेता है। इस वक्त छोटा भीम के पास है 2 पॉइंट और लिटिल सिंघम के पास है 0 पॉइंट। और इसके बाद चलते हैं राउंड थ्री में। राउंड थ्री में है पावर एंड स्किल्स, यानी कौन ज़्यादा पावरफुल है और किसके पास ज़्यादा स्किल्स है। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो छोटा भीम लिटिल सिंघम से ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास ज़्यादा स्किल्स भी है। पहले सबके तरह मुझे भी लगता था छोटा भीम को सिर्फ लड्डू खा के ही ताकत मिलता है, लेकिन असल में छोटा भीम के पास और भी बहुत सारा ताकत है। जैसे कि आप सब जानते हो, छोटा भीम फिजिकली बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही स्ट्रांग है, और इसके सिवा छोटा भीम बहुत सारा मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, जैसे कि कुंफू, कराटे, कलारी। छोटा भीम और भी बहुत सारा मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, और उसके साथ साथ हर तरह का हथियार भी चलाना जानता है अच्छे से। और छोटा भीम का एक बहुत ही अच्छा चीज़ ये है कि वो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेता है, यहाँ तक कि छोटा भीम बहुत सारा जादू भी जानता है, ऐसा कुछ मूवी में दिखाया गया था, और लिटिल सिंघम का इतना स्किल दिखाया नहीं गया। तो दोस्तों, इस राउंड का विनर है छोटा भीम, वो भी 3-0 के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था, और आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर से बताना, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है।